सिसोदिया जी, उमेश सिंह जी, अजय गुप्ता जी, स्वामी जी, सबसे पहले बहुत बहुत आभार जो सम्मान जो प्यार मुझे आज आप लोगों ने गीता गेम में दिया है। मुझे हमेशा से गीता गेम में आना अच्छा लगा और खेलना राजस्थान में गीता गेम में बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत बहुत दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। फेडरेशन के आखिर चीज़ें जो हैं एकदम सोशल मीडिया के जरिए सब लोगों को मालूम है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। चेस लीग है, चेस स्कूल है, हर स्टेट में ऑफिस खुल रहा है और हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में अभी आर्बिटर्स और ऑर्गेनाइजर्स हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। क्लास रूम में बहुत काम कर रहे हैं। हर जिले का एक बहुत काम हुआ है ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने शतरंज खेला है बहुत निचले लेवल से और मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे और चेस खेलना एक बहुत बड़ी लग्जरी थी हमारे लिए। तो एक बीकानेर के प्लेयर है व्यास जी, हम लोग अहमदाबाद गए खेलने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम लोग सड़क पर एक दिन पैसे वो देते थे, सड़क पर 1.5 रुपये का पराठा खा के हम लोग शतरंज खेलते थे। तो एक दिन आनंद जो आजकल हमारे पास सुपर स्टार है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे फिल्म देखनी है, तो हम लोगों ने उस दिन शाम खाना नहीं खाया और पैसे अपने खाने के उनके टिकट के लगा के उनको फिल्म दिखाई। हालांकि उनकी माता जी से बात में हम सबको बहुत डांट पड़ी। तो हम इस लेवल से चेस खेला तो जो दिक्कतें प्लेयर्स को जो ऑर्गेनाइजर्स को हुई हैं और मैंने खुद भी दिल्ली में करोड़ों रुपये के टूर्नामेंट्स किए हैं, तो जितनी तकलीफ आप सब लोगों को हुई है पिछले 15 सालों में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी होल इंडिया चेस फेडरेशन की गलती थी जो मैनेजमेंट पहले था, क्योंकि राजस्थान के प्लेयर को बहुत ही नुकसान हुआ और राजस्थान में बहुत अच्छा टैलेंट है जिसका जीता जाता उदाहरण है अभिजीत गुप्ता, इतना अच्छा वो खेलते हैं और मैं समझता हूँ कुछ किया नहीं।